नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स पी साइबर एंड फोर्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसका इंतजार सभी स्टूडेंट्स का इतने दिन से था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का डिटेल नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है आज 28 जून 2023 में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज, एंड जो भी वैकेंसीज आया है सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। सो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं जो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है ये सारे स्कूल्स। एंड इसमें पहले मैंने दो वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग EMRS रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर देखा था हम लोग TGT, PGT एंड प्रिंसिपल सारे पोस्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिए। सो दोस्तों, आइए देखते हैं जो EMRS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स जो स्टाफ सिलेक्शंस, इट मीन्स ESSE का अंडर ये आ रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसको हम लोग आइए देख लेते हैं क्या क्या है। सो यहाँ पर देख पा रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स। सो इसको हम लोग इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ESSE 2023। इसका सारे डिटेल हम लोग देखने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग इंडेक्स में देख पाएंगे कि कौन सा चीज़ कितने नंबर पेज में यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सारी चीज़ हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज एंड सैलरी के बारे में। तो हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल्स देखने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से यही है कि आपका एग्ज़ाम डेट, फी क्या रहने वाला है एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। थोड़ा सा दुख का बात यही है कि हम लोग लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किया था EMRS रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में, वहाँ पर देखा था कि TGT का एंड सारे वैकेंसीज मिला के लगभग 34,000 वैकेंसीज का लिस्ट, मतलब एक एस्टिमेटेड जारी किया गया था यहाँ पर। लेकिन सिर्फ PGT प्रिंसिपल्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। आई होप कि TGT के लिए भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी। सो यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा आपको किस तरीके से एप्लीकेशंस करना है, कौन सा वेबसाइट्स में जाके कैसे किस तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि फी एप्ली इसके लिए कौन सा कैटेगरी, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए कितना फी चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2,000 एप्लीकेशन फी है एंड ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है सारे प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। उसके बाद PGT के लिए आपका 1,500 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये है 1,000। ये सिर्फ आपका UR कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कुछ 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 कैटेगरी के लिए यहाँ पर फी नहीं लगने वाला है। आइए देखते हैं कौन सा कैटेगरी के लिए फी आपके क्या है, कोई भी फी नहीं लगने वाला है। नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड द कैंडिडेट बिलोंग, जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उसके लिए कोई भी फी रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने फी के बारे में बताया, UR कैटेगरी साथ में EWS एंड OBC के लिए सेम फी रहने वाला है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कितने जो थर्ड चैप्टर में है, देखिए थर्ड चैप्टर में EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स 2023 अबाउट स्टाफ सिलेक्शन, इसमें आपका पोस्ट कितने हैं, किस में कितना पोस्ट है उसका बारे में इसका डिटेल एक दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स के टोटल पोस्ट है आपका 333, PGT के लिए आपका 2,266, अकाउंटेंट्स ये सारे के सारे नॉन टीचिंग के लिए है, जैसे कि 360 अकाउंटेंट, 759 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स,
जिसको JSA बोला जा रहा है, लैब असिस्टेंट्स के लिए 373 एंड इस सभी मिला के 400 प्लस 4062 वैकेंसीज यहाँ पर आया हुआ है। ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है कौन से कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर हम लोग देख लिया 333, यहाँ पर देख पा रहे हैं UR के लिए कितना है। इसी तरीके से जितना भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इट मीन्स PGT के लिए जो ग्रुप बी का जॉब है, इसके लिए कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज यहाँ पर जारी किया गया है, कौन सा सब्जेक्ट्स है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे वैकेंसीज आए गए यहाँ पर। अगर टोटल वैकेंसी का बात करेंगे हम लोग 2086 वैकेंसीज है। उसके बाद देख लेते हैं जो लैंग्वेज का जो है, लैंग्वेज में जो PGT पोस्ट के लिए कौन सा लैंग्वेज के लिए कितना जॉब यहाँ पर आया हुआ है। देखो मराठी, उसके बाद उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड सांथली, क्योंकि सारे स्टेट में आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, इसलिए सारे स्टेट का जो लैंग्वेज से रिलेटेड भी टीचर्स का रिक्वायरमेंट होने वाला है, इसलिए लैंग्वेज का भी यहाँ पर वैकेंसीज कौन सा लैंग्वेज में कितना वैकेंसीज है वो सारे यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद कुछ जनरल गाइडलाइंस है, उसके बाद पोस्ट डिटेल एंड लेवल्स, जैसे कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहने वाला है उसका बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स के लिए लेवल 12 का जॉब है, अगर लेवल 12 का जॉब है तो इसका सैलरी लगभग आपका मिनिमम आपका 78,800 से लेकर 2 लाख अबव हो जाएगा, लेकिन इसका जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होने वाला है लगभग 1 लाख का होने वाला है। उसके बाद जो PGT लेवल का जो भी जॉब्स है, जहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट्स है, इसके लिए आपका पे लेवल्स 8 का जॉब है, ये 47,600 से लेके 1,51,000 इसका सैलरी रहने वाला है। उसके बाद अकाउंटेंट्स, इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कौन सा कितना सैलरी रहने वाला है। अभी हम लोग प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इसका जो मतलब सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस के लिए मैं अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पर 6 पार्ट रहने वाला है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो पार्ट ए में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 मार्क्स की होगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाला है। उसके बाद एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट, जो एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल, क्योंकि ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जॉब है इसलिए एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस भी, फाइनेंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स की यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि PGT पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है, PGT के लिए भी 6 पार्ट है, ये ऑलमोस्ट आपके जो NBS के एग्ज़ाम हुआ था उसी से रिलेटेड होने वाला है, सेम सेम पैटर्न में होने वाला है। देखिए यहाँ पर 5 पार्ट है, अगर आप 6 पार्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इस 5 पार्ट इवेल्यूएशन नहीं होंगे, तो 6 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। 6 पार्ट में आपको 2 लैंग्वेज है, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश, दोनों 10 मार्क्स के रहने वाला है। 10 मार्क्स आपको 40% मार्क्स प्राप्त करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो ये आप ऊपर की जो 5 पार्ट है वो चेक होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की सेम है, यहाँ पर रीजनिंग जैसे NBS का था सेम ऐसा ही है। ठीक, यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपका होना चाहिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। उसके बाद नॉलेज जो भी आपका सब्जेक्ट्स होंगे, डोमेन नॉलेज, ठीक है, डोमेन नॉलेज होना चाहिए आपको, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड ये आपका 70 मार्क्स का होगा। एंड 5 एंड 5 आपका क्या होगा, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी से रिलेटेड होगा। एंड NEP जो न्यू एडुकेशन पॉलिसी
तो 2020 आया है, उसके रिगार्डिंग आपका 5 क्वेश्चन होने वाला है। तो टोटल 80 क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चंस, तो 80 प्लस 50 130, एंड यहाँ पर 20, टोटल 150 का क्वेश्चन होने वाला है। इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ का हम लोग आज कवर नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। ओके, हम लोग जो बाकी सारे चीज़ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पीयू साइबेरियन फोर्स चैनल्स में आपको आगे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।